टीम 22 पर जातक कथाएं बताई जा रही हैं और बहुत सारी गाथाएं भी। धमपद में गाथाएं हैं, कथाएं भी हैं, देशनाएं भी हैं, और जातक कथाओं में कथाएं हैं और जो उनकी मॉरल एजुकेशन है। गाथा का मतलब होता है कि जो गाया जा चुका है या जो गाया गया था, और कथा का मतलब है जो कहीन है, जो कहा गया था, यानी जो कहा गया था और जो गाकर कहा गया था उसको कथा और गाथा बोलते हैं। कथाएं और गाथाएं जो लिखी जाती हैं और जो छपके आती हैं वो बदली भी जा सकती हैं। खासतौर से जो कहानियां होती हैं, कहानियां बहुत तरह की होती हैं, यानी जो स्टोरीज होती हैं, कथाएं होती हैं, कहीं होती हैं, वो कोई साइंस की हो सकती है, साइंस फिक्शन पे हो सकती है, साइंस के हाइपोथेटिकल हो सकती है, सोच पर आधारित हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, सच्ची जो सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, सच्ची कथाएं हो सकती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा उकसाने की कथा हो सकती है, किसी को बहुत ज़्यादा शांत करने की कथा हो सकती है, देशभक्ति की कथा हो सकती है, कहानी हो सकती है, देशद्रोह की हो सकती है, अपना काम निकालने के लिए किसी ने कहानी गढ़ी हुई हो सकती है, कहानी बेसिर पैर की हो सकती है, बीच में से उठाई हो सकती है। जैसे जातक कथाओं की जो कहानी है उनका कोई टाइम नहीं है, ना उनका कोई टाइम है, ना उनका कोई समय है, ना कोई उनका स्थान है, ना उनका कोई ऐसा इतिहास है, ना ही वो उनके कोई साक्ष्य हैं। जातक कथाओं की जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ कहानियाँ हैं, बीच में से चलती हैं और बीच में ही ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई सर पैर नहीं होता, मगर वो अपना एक मैसेज देती हैं। वो काल्पनिक हो सकती हैं, वो ठीक हो सकती हैं, थोड़ी काल्पनिक थोड़ी सच्ची हो सकती हैं, मगर उनका एक अपना मैसेज होता है। मैसेज के लिए कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, सारी दुनिया में ये चलती हैं। जातक कथा तो बहुत फेमस है क्योंकि उनमें जो मॉरलिटी का, सदाचार का, आचरण का जो शिक्षा है वो बहुत ज़बरदस्त और प्रबल है। उन कहानियों को देख के बहुत सारी कहानियाँ उनके आसपास बनाई गई हैं। आप भी कोई भी कहानी बना सकते हैं। कहानियाँ जितनी भी हो सकती हैं उनका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य खराब भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। गाथाएँ जो हो सकती हैं, जो गा के कहे गए हैं या जो दोहे हैं या छंद हैं या जो गीत हैं या जो कविताएँ हैं, उनको चेक करना पड़ता है कि वो ठीक हैं या नहीं हैं, आज के समय में वो खरी उतर रही हैं या नहीं हैं। कोई गाथा ऐसी है, कोई किसी ने छंद कोई बात कही है जो 200 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है, पता नहीं वो आज के माहौल में फिट है या नहीं है, हो सकता है वो बदल दी गई हो, हो सकता है उसका अर्थ जो है वो कुछ लोगों के लिए ही ठीक हो, पूरे संसार के लिए ना हो, कुछ देश के लिए ठीक हो सकती हैं, कुछ राज्य के लिए। ये गाथाएं और कथाएं अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जगह, अलग अलग हिस्ट्री के अनुसार बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। इसलिए अपने आप खुद चेक करें कोई भी गाथा या कथा सुनते समय कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, क्या इसकी जो एजुकेशन है वो समय के अनुसार बिल्कुल ठीक है या नहीं है, क्या इसकी जो शिक्षा है, इसकी जो एजुकेशन है, इसमें जो बात कही गई है ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को लाभ दे रही है या वो झगड़े पैदा करा रही है या वो आपस में दुनिया में जहर घोल रही है। इसलिए इसकी सत्यता, इसकी जानकारी, इसके उद्देश्य को आप को खुद ही परखना होगा। इसके परखने का कोई थर्मामीटर या कोई पैमाना नहीं आता। जो बुद्ध ने गाथाएं कही हैं उन गाथाओं के साथ में एक गाथा और भी कही है, एक बात और भी बताई है कि जो बात वो कह रहे हैं उसको इसलिए नहीं मानना कि कोई ये कहे कि ये बुद्ध ने बताई है, या इसलिए मत मानना कि ये लिखी है और बुद्ध की है, या इसलिए मत मानना कि ये सुनी सुनाई है और पीछे से चली आ रही है, या इसलिए नहीं मानना कि ये लिखी हुई है तो सच होगी, या इसलिए मत मानना कि ये पत्थर पे लिखी हुई है तो ये बिल्कुल सच होगी। उसको तब मानना जब आप उसको अपने मन वचन कर्म से ये मान लें और ये समझ लें कि इसका उद्देश्य पूरी दुनिया के लिए ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ठीक होना चाहिए, सारे मनुष्य के लिए ठीक होना चाहिए। अगर कोई बात ऐसी है जो सारे मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है तो वो मानवता के, ह्यूमनिटी के, मनुष्य के खिलाफ जा रही है, जिसमें आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, आप भी ह्यूमन हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के हानि हो, क्योंकि अगर उसको हानि होगी तो वो हानि करने वाले को हमेशा याद रखेगा, मन वचन कर्म से उसके पीछे पड़ेगा और उसको 50 जगह जा कहेगा कि ये हानि मुझे उस आदमी ने पहुँचाई है। इससे जो चक्र है जीवन का वो खराब होता है। इसलिए यहाँ जो जातक कथाएँ बताई जा रही हैं उनमें बार बार बताया जा सकता है कि ये काल्पनिक है, ये कथा इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, इसमें एक बच्चों को समझाने का तरीका है। जो धमपद के अंदर कथाएं आती हैं उन कथाओं में
जो सच बात होती है उसको बताने की पूरी कोशिश की जाती है। जो गाथा है, गाथा लगभग मन पे आधारित हैं, विपसना के शोध पे आधारित हैं, फिर भी अगर उनमें कोई ऐसा शब्द आएगा जो शब्द पाली का नहीं होगा या पाली ने बाहर से लिया होगा तो वो समय समय पे बता दिया जाता है कि ये शब्द यहाँ का नहीं है या इस शब्द का ये मतलब है। बहुत सारा साहित्य बुद्ध के बाद में लिखा गया, बनाया गया, उसको सेटल करने का, उसको संशोधित करने का उसको काम चल रहा है, लोग उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि साहित्य दोबारा निकल के आया है, इसलिए उसको छांटना है, देखना है कि वो क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे शब्द निकल के आ रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि ये साहित्य में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। धीरे धीरे सब होगा क्योंकि लोग पाली बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और जान रहे हैं। पाली वो भाषा है जो प्राकृतिक भाषा है और प्राकृतिक भाषा झूठ नहीं बोलती, प्रकृति झूठ नहीं बोलती, इसलिए ये भाषा बहुत अच्छी है और प्राकृतिक भाषा ही आज की हिंदी भाषा है, अगर उसमें से थोड़ी सी जो बाहर की मिक्स भाषा है उसको निकाल दिया जाए तो। इसलिए गाथा और कथा यानी कहानी जो होती है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है या नहीं करती है ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेते हैं। धन्यवाद।